नमस्कार, मैं राकेश और टैक्स जंक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक प्रोफेशन करते हैं और उसमें स्ट्रगल करके अपने जिंदगी के बड़े बड़े सपने देखते हैं, और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक प्रोफेशन करते ही है लेकिन दूसरा कुछ प्रोफेशन भी चुनते हैं और दोनों प्रोफेशन में एक्सेल कर देते हैं। तो ऐसे ही एक प्रोफेशनल आए हैं जो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और प्रोफेशनल अंपायर भी है, जो आईपीएल में अंपायर करके हमें नजर आते हैं। तो वो है अनिल दांडेकर सर। आज हम अनिल दांडेकर सर से बातचीत करने वाले हैं, हम उनके लाइफ स्ट्रगल्स भी सुनने वाले हैं और साथ ही साथ उनके आईपीएल के एक्सपीरियंसेस भी सुनने वाले हैं। तो सुनते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये इंटरव्यू। तो दांडेकर सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ टैक्स जंक्शन पे। थैंक नमस्ते यू, थैंक यू वेरी मच सर। सर, और एक ट्विटर यूजर ने एक टेक्निकल सवाल पूछा है। उसका कहना है कि जैसे अभी पैनल बन गया है नो बॉल के लिए, नो बॉल चेक करने के लिए एक पैनल बन गया है, तो ये अंपायर के डिसीजन को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ऐसा पूछा है उसने। सी एक्चुअली कैसा है, अभी तो थोड़ा सा हमें भी ये चीज को टैकल करने में थोड़ा टाइम जाएगा। एक हिसाब से इट इज गुड, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि गेम का स्पीड इतना बढ़ गया है, बॉलर्स का बॉल डालने का स्पीड इतना बढ़ गया है कि हमारे लिए थोड़ा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो रहा है कि हम पॉपिंग क्रीज पे नजर रखें और इमीडिएटली हमारे नजर को ऊपर घुमाएं। और उसमें भी ये बॉलर्स आजकल इतने क्लोज जा रहे हैं लाइन के, इतने नजदीक से डालते हैं, और हम जहां पे खड़े होते हैं वहां से एंगल अलग होता है। देखो टीवी पे जो नो बॉल का एंगल दिखता है ना, वो कंप्लीट अलग होता है क्योंकि वो आपको साइड से दिख रहा है, तो वहां पे आपको ज्यादा क्लैरिटी आती है कि साइड से दिख रहा है तो थोड़ा बाहर है, कम बाहर है। हम खड़े हैं पीछे, हमको वहां से दिख रहा है तो वो एंगल ही अलग है हमारा देखने का। तो उस टाइम पे वो फोकस, वो भी देखना, वो इमिजिएटली ऊपर बॉल भी देखना, और बॉल इतने तेजी से जा रही है, तो इट वॉज बिकमिंग चैलेंजिंग एंड इट वॉज लीडिंग टू लॉट ऑफ एरर्स। तो इसके लिए ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है ताकि अंपायर्स को विल रिलैक्स नॉट फील हुए। बी रिक्वायर विल नॉट बी बॉदर्ड कि वो नो बॉल मिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो थर्ड अंपायर बताते। तो मेरा फोकस थोड़ा सा ज्यादा बॉल के ऊपर जा सकता है ताकि मैं बॉल क्या हो रहा है वो डिसीजन अच्छी तरह से दे सकूं, ताकि मैं ये फोकस करूं कि ये साला अंदर से डाला बाहर से डाला, नो बॉल था नहीं था। क्योंकि ये स्प्लिट सेकंड का गेम है, अगर बॉलर नो बॉल के लाइन के बड़े क्लोज से बॉलिंग डालता है तो बाय नेचुरल थिंग हमारी नजर स्प्लिट सेकंड ज्यादा रुकती है वहां पे कंफर्म करने के लिए, और वो स्प्लिट सेकंड आगे जाके हमें तकलीफ देता है, बिकॉज वो स्प्लिट सेकंड हम बॉल मिस कर चुके हैं। करेक्ट करेक्ट कर तो फायदा ही है अंपायर को, एक्चुअली फायदा तो इट ही इज है, गोइंग टू बी काम इट है इज वो गोइंग टू डिवाइड हो बी रहा है एक्चुअली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अभी ये और एक सवाल है कि डिफरेंस क्या है पिचिंग आउटसाइड ऑफ और पिचिंग आउटसाइड लेग। मतलब जैसे उनका कहना है कि बॉलर जब कुछ आउट नहीं देता है अंपायर, तो बॉलर रिव्यू डाल देता है, तो अंपायर अपने फैसले पे खड़ा रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन बैट्समैन का जब फैसला होता है, बैट्समैन आउट रहता है, लेकिन दिया नहीं रहता, तो कुछ वो रिव्यू डालता है, तो फिर अंपायर बैट्समैन का फैसला सुनता है। ये एग्जैक्टली क्या है, ऐसा एक यूजर ने पूछा है, पिचिंग आउटसाइड ऑफ और पिचिंग आउटसाइड लेग, ये क्या है एग्जैक्टली पूछ रहा है वो। सी एक्चुअली कैसा है, LBW का जो रूल है ना, उसमें एक बड़ी सबसे बड़ी चीज है कि अगर बॉल बैट्समैन के लेग स्टंप के बाहर पिच होता है तो वो बैट्समैन LBW नहीं हो सकता। और वो लेग स्टंप कैसे माना जाता है कि बैट्समैन जब गार्ड के लिए खड़ा होता है तो वो जहां पे खड़ा है वो उसका लेग स्टंप हो गया। तो राइट हैंडर बैट्समैन का लेग स्टंप अलग हो जाता है, इसके लिए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का लेग स्टंप अलग हो जाता है। और उसके बाहर अगर बॉल पिच हो गया तो LBW नहीं है, उसके लिए वो पिचिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि बॉल कहाँ पिच हो गया। उसके वो रूल आने के पीछे भी एक जो पहले के जमाने का रीजन था कि जो पाँव के पीछे है वो एरिया बैट्समैन के लिए ब्लाइंड स्पॉट है, उसे वो क्योंकि वो जो स्टांस से खड़ा है उसको वो स्टांस से वहां का बॉल नहीं दिख सकता है, तो जो ब्लाइंड स्पॉट है उससे बैट्समैन को प्रोटेक्ट करो।
उसके लिए वो रूल बना था कि लेग स्टंप के बाहर अगर बॉल पिच हो गया तो उसको एलबीडब्ल्यू मत दो मत दो. तो वो आउटसाइड ऑफ और आउटसाइड लेग का मायना एक्चुअली एलबीडब्ल्यू के लिए ज्यादा है. अच्छा, उन्होंने अलग मीनिंग लिया है शायद, रिव्यू लिया बॉलर ने, तो बॉलर का फिर नहीं सुनते बैट्समैन का. नहीं नहीं नहीं, तो उन्होंने कुछ सवाल पूछा. नहीं नहीं, ये आउटसाइड ऑफ आउटसाइड लेग का फंडा ये है कि बॉल कहाँ पिच हो रहा है और लेग स्टंप के बाहर पिच हो गया तो वो एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकता. अगर सॉफ्ट सिग्नल्स की बात करें तो सॉफ्ट सिग्नल्स के लिए अंपायर जब अनश्योर रहते हैं, ऐसा उसका कहना है, तो उसके रिलेटेड वो बोल रहा है कि आपकी क्या राय है इसमें सॉफ्ट सिग्नल्स. एक्चुअली कैसा है ये सॉफ्ट सिग्नल धीरे धीरे डेवलप हुआ हुआ चीज है. पहले क्या नोटिस हुआ था कि जब थर्ड अंपायर के पास जाता है, पर्टिकुलरली सॉफ्ट सिग्नल दो चीज के लिए यूज होता है, एक तो कैच सही पकड़ा है कि नहीं उस चीज के लिए सॉफ्ट सिग्नल यूज होता है, और एक ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड करके जो डिसमिसल है उसके लिए सॉफ्ट सिग्नल यूज होता है. तो कैच पकड़ा कि नहीं इसके लिए जब सॉफ्ट सिग्नल, पहले सॉफ्ट सिग्नल नहीं होता था, पहले सीधा थर्ड अंपायर के पास जाता था और थर्ड अंपायर को बताना है. बट बहुत बार उसमें ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि कैमरा विथ ऑल अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज लॉट ऑफ टाइम्स नॉट एबल टू कैच द एग्जैक्ट बॉल कहाँ गिरा, क्या हुआ. या वो टेक्नोलॉजी हर बार आपको परफेक्ट रिजल्ट देगी ये बोल नहीं सकते. बहुत बार वो जब जूम करने जाते हैं वो ब्लर हो जाता है बिकॉज कैमरा क्वालिटी कैसी है, वो टेलीकास्ट की, वो सब चीजों पे वो मायने रखता है. तो बहुत बार ऐसा हुआ कि थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया बट थर्ड अंपायर के पास भी एविडेंस नहीं है कि वो आउट डे या नॉट आउट डे, बिकॉज उसको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्लियर नहीं है, आ रहा है. तो उससे वो आउट भी नहीं दे सक रहा है और वो नॉट आउट भी नहीं दे सक रहा है. तो उस चीज को कैसे टैकल करना, इसके लिए ये सॉफ्ट सिग्नल आया. बिकॉज ग्राउंड पे जो अंपायर्स है वो कुछ देख रहे हैं, वो अपना मन बना रहे हैं कि उन, तो अगर उनको लग रहा है आउट है तो फिर वो सॉफ्ट सिग्नल देंगे कि ये आउट है. तो उसका मतलब ऐसा होता है कि अगर थर्ड अंपायर के पास इवन एविडेंस नहीं है, अगर उसको क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो वो ही विल गो विथ व्हाट ऑन फील्ड अंपायर्स हैव सेड. तो सॉफ्ट सिग्नल का मेन इंपॉर्टेंस इस चीज के लिए है कि थर्ड अंपायर के पास अगर एविडेंस सफिशियंट नहीं है तो जो ऑन फील्ड अंपायर्स ने डिसीजन दिया वही रहेगा. तो अगर उन्होंने ऑन फील्ड आउट दिया तो आउट रहेगा, ऑन फील्ड नॉट आउट दिया तो नॉट आउट रहेगा. अच्छा, मतलब अंपायर के पास पावर है. या और ये इसके लिए आया कि क्योंकि वो भी जानते हैं कि पर्टिकुलरली कैच के बारे में, क्योंकि बॉल बहुत बार इतने तेज जाता है वो कैमरामैन एग्जैक्टली कैच नहीं कर सकते, वो एग्जैक्ट मूवमेंट बोलो या वो एग्जैक्ट, क्योंकि कैमरा एंगल ग्राउंड के हर किस्से को कभी कभी नहीं कवर कर सकते. तो उस टाइम पे क्या करना है, वो थर्ड अंपायर के पास जाने के बाद वो बेचारा परेशान हो जाता था, अभी मैं क्या डिसीजन दूं. वो आउट देगा तो भी आधे जन उसको गाली देंगे, नॉट आउट देगा तो भी आधे जन गाली देंगे. तो उससे बचने के लिए फिर भैया ऑन फील्ड अंपायर्स क्या सोचते हैं, आउट सोचते हैं नॉट आउट सोचते हैं, वो पहले बता देते हैं थ्रू सॉफ्ट सिग्नल. और फिर थर्ड अंपायर के पास अगर एविडेंस है तो ऑब्वियसली वो एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन दे देगा, फिर उसको सॉफ्ट सिग्नल क्या है उससे मतलब नहीं है. बट अगर एविडेंस नहीं है तो वो जो ऑन फील्ड अंपायर्स ने दिया उसके साथ रहेगा. ओके ओके ओके, मतलब अंपायर का एक ये पकड़ा जाता है कि अंपायर का भी एक एविडेंस करके ऐड किया जाता है, इसने बोला है और दोनों का एविडेंस पकड़ के फाइनल डिसीजन दिया जाता है. तो थर्ड अंपायर पे डायरेक्ट वन साइडेड डिसीजन हो जाता था, अभी दोनों का मिला के कंबाइंड फैसला होता है, राइट. और एक मतलब एक फाइनल क्वेश्चन है ट्विटर यूजर का, ये डीआर रूल्स जो है, डीआर रूल्स को लेके आपकी क्या राय है इसमें. सी एक्चुअली डीआरएस के जो रूल्स है वो भी जैसे अपन बोल रहे हैं इवॉल्व हो रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे गेम बढ़ते जा रहा है वो रूल्स में से जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो आ रहा है. एज ऐसे कि गेम इतना फास्ट हो गया है, कमर्शियलाइज हो गया है, तो एक एक रॉन्ग डिसीजन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने लगा है. सो
उसके लिए डिसीजन रिव्यू आ गया है। और डिसीजन रिव्यू पहले यही हिसाब से आया था कि कोई जो ब्लेटेंट मिस्टेक हो गया है उस चीज को कवर अपन रेक्टिफाई कर सकें, ताकि कल किसी भी देखने वाले को ऐसा नहीं लगे अरे यार वो डिसीजन अगर सही होता तो ये अलग हो जाता यार, हिस्ट्री एकदम बन जाती है। तो उसके लिए वो रिव्यू सिस्टम आया, बिकॉज इतनी चीज अब इन्वॉल्व हो गई है गेम में कि उसके लिए थोड़ा सा हमारे लिए भी अच्छा हो गया है, क्योंकि या इट्स समटाइम्स इट इज वेरी टफ बिकॉज आप एक डिसीजन दे रहे हो उसको आपको इमिडिएटली रिवर्स करना पड़ रहा है तो बुरा लगता है, क्योंकि आप आज 50,000 लोगों के सामने बोल रहे हो कि भैया मैंने गलत डिसीजन दिया और मुझे रिवर्स करना पड़ता है। सो इट यू बट इफ यू मतलब हम अगर गेम के हिसाब से देखें, गेम के बेटरमेंट के हिसाब से देखें, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज गेटिंग अ करेक्ट डिसीजन, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर वो हो रहा है तो वी शुड बी हैप्पी फ्रॉम गेम्स पॉइंट ऑफ व्यू। गेम्स पॉइंट ऑफ ओके 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 या राइट राइट राइट।